नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। अभी आपके सामने डेट दिख रहा है, डेट इस तरह से लिखा हुआ है 010122। अब इसके ऊपर आप किसी तरह का डेट का फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो डेट का फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा, या इस पे किसी तरह का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें 20 दिन जोड़ना चाहता हूं और मैंने क्या कि इक्वल और प्लस 20 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू आएगा। ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये डेट है ही नहीं, क्या है, ये टेक्स्ट है। क्योंकि एक्सेल में डेट डॉट के साथ कंसीडर करता ही नहीं है। तो डेट अगर होता 01/01 तब जाके ये इस तरह से बन पाता, तब जाके वो डेट बन पाता। अब मान लीजिए मैं डॉट को स्लैश में कन्वर्ट कर दूं तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तो अगर आपकी सिस्टम DDMMYY नहीं है, MMDDYY की जनरली सबकी होती है, क्योंकि विंडो इंस्टॉल करते समय वो रीजन में वो लोग US को ही सिलेक्ट करते हैं। तो उस केस में क्या हुआ कि ये 3 जनवरी नहीं, 1 मार्च बन जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो मंथ बन जाएगा जबकि यहाँ पे डेट है। तो इसको डेट में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। आप लोग अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी इसी तरह की वीडियोज आपको मिलता रहे। साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कंप्लीट एक्सेल सीखना तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं डेमो क्लासेस में। डेमो क्लासेस के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं या फिर मुझे कॉल करें। मेरी पूरी डिटेल्स जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाला हुआ है। साथ में अगर आप पूरी की पूरी सिक्वेंसली सीरीज वीडियो चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पे सर्च करना है मेरा ऐप, ऐप है एक्सल एमआईएस ट्रेनिंग। जी हाँ, एक्सल एमआईएस ट्रेनिंग, इसको सर्च करें वहां पे मिल जाएगा। चलिए ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बोर नहीं करता हूं, हम आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको जाना होगा डेटा मेनू बार में। डेटा मेनू बार में यहाँ होता है टेक्स्ट टू कॉलन। इस टेक्स्ट टू कॉलन पे क्लिक करें और यहाँ पे डिलिमिटेड ही रहने दें, नेक्स्ट करें। इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट करें। यहाँ आपको दिखेगा जनरल बाय डिफॉल्ट, उसी के नीचे दिखेगा डेट जो कि DMY है। जी हाँ, इसको आप MDY, अब देखिए आपका सिस्टम अगर यहाँ पे अगर DMY है तो आप MDY कर ले, अगर MDY है तो आप DMY कर ले। तो मैंने यहाँ पे MDY करके और फिनिश किया। फिनिश करते हैं, देखिए ये हमारा डेट बन गया, ये हमारा डेट बन गया। अब मैं इसको एक बार डेट को फॉर्म में करता हूं, लेटी डेट तो बना लेकिन गड़बड़ हो गई यहां पे, क्योंकि तो यहां पे हमने MDY ले लिया था। तो दोबारा मैं जाता हूं, क्योंकि तो आपने देखा कि मार्च अप्रैल मई हो गया लेकिन सारा का सारा जनवरी का ही डेट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको हम DMY ही सिलेक्ट करके रखते हैं। फिनिश, अब सही है। अब मैं इसमें अगर कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस करके देख लेता हूं तो सारा जैन का ही महीना है। तो टेक्स्ट टू कॉलन में जाके आपको चेंज करना है। तो हमारी क्लासेस में इसी तरह के ट्रिक्स को सिखाया जाता है जो रियल लाइफ में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसी चीजों को सिखाया जाता है। और इससे रिलेटेड ही मैंने अपने ऐप के अंदर बहुत सारे कोर्सेज को रख रखे हैं, जिसमें एडवांस एक्सेल, VBA माइक्रो, MS एक्सेस, डेटाबेस, SQL, पावर BI, टैबलू, ऐसे कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो फटाफट मेरी ऐप को डाउनलोड करें और आप सीखें। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।